का अगला स्टेशन है कलर्स का सीरियल स्वाभिमान का सेट, जहां क्या करण, क्या नैना, क्या मेघना और क्या कुणाल सभी नाच नाच कर मना रहे हैं खुशियां, क्योंकि सीरियल स्वाभिमान एक श्रृंगार ने कर लिए हैं पूरे 100 एपिसोड्स। पार्टी कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं वहाँ पे म्यूजिक बज रहा है, लोगों ने बहुत डांस किया, नाच नाच के लोग थक गए और अब सारे के सारे खाने पर टूट पड़े। ये 100 एपिसोड्स बिल्कुल पॉसिबल नहीं थे आप लोगों के बिना, तो थैंक यू फॉर लविंग एक श्रृंगार स्वाभिमान सो मच एंड कीप लविंग अस। वहीं दूसरी ओर ऑन स्क्रीन चल रहा है ड्रामा, जहाँ आज कुणाल पहुँच गया है एक्सीडेंट के जुर्म में जेल में और अपने पति को सलाखों के पीछे देख आज मेघना के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। आज तो कुणाल के पापा भी पुलिस थाने पहुंच गए हैं। वैसे ये बताइए कि ये क्या वाकई एक्सीडेंट है या इसके पीछे कुछ और मामला है? मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेघना की तरफ से, वो किसी और को फंसाना चाहती थी और फंस में गया बेचारा उसका पति। तो हाँ अब आई है, वो बेचारी रो रही है मेरे सामने और मैं बोल रहा हूँ ठीक है यार कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बच जाऊँगा, रिलैक्स। गलत फहमी एक्चुअली है, मेघना ओवर कॉन्फिडेंस में एक गलती कर बैठी है और उसका नतीजा ये हुआ है कि कुणाल जेल पहुँच गया है, तो इसीलिए मेघना बहुत गिल्टी फील कर रही है। जी हाँ, अपनी माँ के अपमान का बदला लेने के लिए मेघना फंसाना तो चाहती थी अपने ससुर जी को, लेकिन फंस गए उनके अपने पति कुणाल और इसी बात से मेघना है परेशान। वैसे आपको बता दें इस हादसे के बाद सीरियल में बदली बदली नजर आएंगी मेघना।